नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत और अब बात 8 नवंबर के इतिहास की। साल 1661 सिख धर्म गुरु हर राय का निधन हुआ था। साल 1945 हांगकांग में नौका दुर्घटना में 1550 लोगों की मौत हुई थी। साल 1956 संयुक्त राष्ट्र संघ ने तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोपीय देश हंगरी से हटने की अपील की। साल 1957 ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप समूह के समीप परमाणु परीक्षण किया। साल 1967 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। साल 1988 चीन में विनाशकारी भूकंप से 900 लोगों की मौत हुई। साल 1992 जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नस्लवाद के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 3,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया। साल 1998 बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में 15 लोगों को मृत्युदंड हुआ। साल 2008 भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। साल 2013 फिलीपींस के हेनान प्रांत में विनाशकारी चक्रवाती तूफान से 6,000 लोगों की मौत हुई। साल 2013 सोमालिया के मोगादिशु में कार बम धमाके में 11 लोगों की मौत हुई। साल 2016 भारत सरकार ने बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया और 500 और 1,000 के नोट बंद कर 2,000 के नोट जारी किए। और अब बात 8 नवंबर को जन्मे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जनवरी 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनावों को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने और जीत होने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का श्रेय जाता है, उसमें सबसे आगे की पंक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लोह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।